संत विजय का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। कल जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया था। संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह महत्वपूर्ण कदम रहा। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र के धार्मिक महत्व के पहाड़ों की रक्षा का उन्होंने वादा भी निभाया। सरकार के इस फैसले के बाद साधु संतों और ब्रज क्षेत्र के निवासियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस पूरे प्रकरण में IG गौरव श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली भी सराहनीय रही। कलेक्टर आलोक रंजन और SP श्याम सिंह का कार्य भी शानदार रहा। दरअसल 500 दिनों की अवधि से साधु संतों का यह धरना जारी था, लेकिन अब शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब ब्रज क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जाहिर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं IG ऑफिस। IG गौरव श्रीवास्तव का भी आभार जाहिर किया जा रहा है। तो एक संवेदनशील निर्णय लिया गया, उसके बाद में अब प्रशंसा उनकी की जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर IG गौरव श्रीवास्तव जिन्होंने इसकी पूरी मॉनिटरिंग की और इस विषय को और ज्यादा संजीदा नहीं होने दिया। हालांकि जो आक्रोश था नारायण दास बाबा का या फिर विजय दास का, वो भी कुछ घटनाओं के स्वरूप तस्वीरों के जरिए सामने आया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण भरतपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जानकारी वो देंगे कि फिलहाल क्या ताजा तस्वीर है, क्योंकि आंदोलन अब समाप्त हो चुका है, लंबे समय से जारी था। सत्यनारायण, 552 दिन का समय लंबा समय रहा हालांकि, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लिया और अब जो क्षेत्र जिससे जुड़ा हुआ ये पूरा मसला था, वो उन्होंने इस निर्णय को लेते हुए वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। खनन वहां पर अब क्या नहीं होगा, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए, या फिर लिमिटेशन यहां पर की गई है, किस तरह से बात बनी? बिल्कुल जैसे खनन वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। पिछले 552 दिनों से धरना था, वो पूरा समाप्त हो चुका है, क्योंकि भरतपुर के लोग जो ब्रज के लोग हैं, जो पहाड़ी हैं, ब्रज के स्थित पहाड़ी जो पहाड़ी हैं, उनको भगवान कृष्ण का अंग मानते हैं कि भगवान कृष्ण के अंग हैं और इनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। लगातार प्रेशर पड़ रहा था सरकार के ऊपर, मांग की जा रही थी, साधु संतों का मांग था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इन पर खनन ना किया जाए, ये हमारी प्रकृति है, इनको ऐसे कैसे रहने दिया जाए जिससे कि जो आने वाले हमारे वंशज हैं वो इनको देख सके, जब हमारे जो कृष्ण भगवान के अंग हैं इनको देख सके। लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया लगातार इस क्षेत्र पे हावी था, चाहे वो अवैध खाने हो चाहे वो वैध खाने हो, लगातार पहाड़ को लगातार कुतरे जा रहे थे और अधिकांश पहाड़ को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन साधु संतों का आंदोलन हुआ और 18 तारीख को जब इनमें बात बैठ के बातचीत हुई, उसके बाद में बाबा विजय दास ने अपने आप को आग लगा ली। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत मीटिंग बुलाई, एक सकारात्मक फैसला लिया कि नहीं, ब्रज क्षेत्र में कोई खनन नहीं होगा और यहाँ पर जो खाने हैं उनको अंत्यंत स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे कि ये जो ब्रज क्षेत्र है वो बचा रह जा सके। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस सोच के बाद में तमाम जो भरतपुर के निवासी हैं उन्होंने आभार जताया है। लोग बड़ी संख्या में जो IG गौरव श्रीवास्तव उनके निवास पर वो पहुँच रहे हैं, उनके ऑफिस पहुँच रहे हैं, उनको आभार जता रहे हैं कि हाँ, हमारे जो सरकार ने सुनी है, हम सरकार का आभार जता रहे हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सोच, सकारात्मक सोच है, उसका भी आभार जताया गया है। जयती बिल्कुल सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल सहयोगी अश्विनी यादव का रुख कर लेंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। अश्विनी, कल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो सरह से संत विजयदास को बहुत जल्दी ये जानकारी मिली कि मात्र 3.5 घंटे की दूरी उन्हें तय करनी पड़ी और उन्हें अच्छी सुविधाओं के लिए ज्यादा सुविधाएं उन्हें मिल पाए, उनके बोन्स ज्यादा है, सफदरजंग में शिफ्ट किया गया। सबसे पहले तो उनकी स्तुति बताइए, क्या उनकी स्तुति अभी बनी हुई है, किस तरह से उनका उपचार जारी है? देखिए जयती, आदि बद्री और कनकाचल की जो पहाड़ियाँ हैं, अवैध खनन को लेकर लंबे समय से आंदोलन था। उसके बाद संत विजयदास ने आत्मघात की कोशिश की थी, उसके बाद सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, पहले जयपुर अस्थल संपर्क कराया गया और कल जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम अभी अस्पताल के बाहर हैं और लगातार जिस तरह यहाँ पर
राजस्थान के अधिकारी भी लगाए गए हैं, वो लगातार अपडेट्स ले रहे हैं ताकि ये पता किया जा सके कितना सुधार संत विजयदास की तबीयत में आ पा रहा है। मेरे साथ पहाड़ी SDM है जिनको यहाँ लगाया गया है, संजय गोयल, अभी तक क्या आप अपडेट्स डॉक्टर से ले पा रहे हैं और कैसी स्थिति है? जी, कल विजयदास बाबा जी को बेहतर इलाज के लिए SMS हॉस्पिटल से यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल लाए थे। अभी बाबा जो बर्न ICU है उसमें एडमिट है और अभी हालत स्थिर है। बाकी अभी जो 9:30 बजे दोबारा डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद हम फर्दर बता पाएंगे। अभी बताया जा रहा था कि ऑर्गन्स जो हैं वो कुछ कम काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी हमारे को डॉक्टर साहब ने नहीं बताया है। अभी जो विभाग अध्यक्ष आएंगे उनसे हम चर्चा करके उसके उपरांत बता पाएंगे। देखिए, अभी 9:30 बजे यूनिट हेड हैं डॉक्टर सलभ कुमार, यहाँ पहुँचेंगे, उस पर बता पाएंगे। बरसाना से जिस मंदिर से महंत विजयदास आते हैं उनके महंत भी कई लोग यहाँ पर हैं। अभी अभी सरकार जो कर रही है, एक आंदोलन था, आंदोलन को लेकर भी आंदोलन खत्म किया गया है, सरकार ने कई सारे आश्वासन दिए हैं, और इलाज को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या सरकार पूरा सहयोग कर रही है? हाँ, जो आंदोलन जिसलिए कर रहे थे वो पूरा हमको सफलता मिल गई, गवर्नमेंट ने लिखित दे दिया है कलेक्टर भरतपुर ने, और जो ट्रीटमेंट है वो राजस्थान गवर्नमेंट के 2-2 अधिकारी हमारे पास हैं और ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। कोई और मांग आपकी ऐसी है जो आप सरकार से चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं? अब नहीं, कुछ नहीं। ये जो महंत विजयदास हैं ये आपके मंदिर से ही आते हैं? हाँ, हमारे मान मंदिर बरसाना। आप कल से यहाँ पर हैं? जी। देखिए, जो महंत हैं उनके साथी लोग हैं जो बरसाना से आते हैं वो यहाँ पर हैं और कल से लगातार अपडेट यहाँ पर तबीयत की संत महंत विजयदास के ले रहे हैं। उनको खास बात यह है कि सरकार से कोई शिकायत नहीं है, जो मांगे थी वो मान ली गई हैं, और ख़ास तौर पर महंत विजयदास के इलाज को लेकर उनको कोई शिकायत नहीं कि सरकार जो कर सकती है उससे ज़्यादा कोशिश सरकार अभी कर रही है, संवेदनशीलता पूरे मामले में दिखा रही है। और अब 9:30 बजे बाद इस पता लग पाएगा कि अभी जो तबीयत में कितना कल से आज तक जो सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है उसके बाद महंत विजयदास की तबीयत में कितना सुधार आया है। जयदीप, बिल्कुल अश्विनी, आपने ठीक कहा, और लंबे समय से देखिए इसी चीज़ की मांग करे थे, इसके अन्यत्र और कोई मांग भी नहीं है। अभी भी जो पूरी चिकित्सकीय कार्यप्रणाली है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, आशा करते हैं कि जल्द ही स्वस्थ होंगे, और जिस तरह से आंदोलन ठीक हो गया लोग अब खुश हैं, उनके स्वास्थ्य सुधार की जानकारी के साथ भी लोग खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण और अश्विनी, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।